नमस्कार, मैं सोमेश खत्री और आप न्यूज देख रहे हैं। आज मैं आपको कोई खबर नहीं बताने वाला हूं, ना ही कोई किस्सा या कहानी सुनाने वाला हूं। आज मैं आपको बीएसएफ के उस कैंप में लेकर जाऊंगा जहां पर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वीरांगनाएं अपने शौर्य प्रदर्शन की तैयारी करती हैं। आए थे तो हम में से बहुत राइडर्स ऐसे थे जिन्हें साइकिल भी नहीं चलाना आता था, और जब टाइम आया बुलेट चलाने का ये वही कैंप है जहां कभी साइकिल ना चला पाने वाली बीएसएफ की महिला जवानों ने बुलेट मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज स्टंट करने सीखे। हम आपको मिलवाएंगे बीएसएफ की उन मर्दानियों से जिन्हें ना सिर्फ मोटरसाइकिल पर बैलेंस करने में महारत हासिल है, बल्कि इन्होंने देश सेवा के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन को भी बैलेंस करके रखा है। ये बीएसएफ की खास सीमा भवानी टीम है जिसमें महज बीएसएफ की महिला जवान तैनात हैं। इस टीम का गठन साल 2016 में मध्य प्रदेश की टेकनपुर बीएसएफ अकेडमी में किया गया था, जिसके बाद साल 2018 में इस टीम ने 26 जनवरी की परेड में देश के सामने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। The BSF motorcycle team, Seema Bhavani. न्यूज देश का पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बीएसएफ की इन वीरांगनाओं की कहानी आप तक लाने के लिए इस कैंप तक पहुंचा है। और आज हम पहुंचे हैं बीएसएफ के छावला कैंप में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो बीएसएफ की महिलाएं जो कि 26 जनवरी की परेड में भाग लेंगी और देश को दिखाएंगी कि वो भी किसी भी मत से कम नहीं है। महिला सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण ये महिलाएं 26 जनवरी को दिखाएंगी, जब सारी दुनिया देखेगी कि कैसे महिलाएं बुलेट पे अपना स्टंट दिखा रही हैं। आज तक आपने सिर्फ मर्दों को ही देखा था, लेकिन ये दूसरी बार है जब बीएसएफ महिला जवान बुलेट पे स्टंट दिखाएंगी। सब इंस्पेक्टर शालू, आई एम फ्रॉम 144 बटालियन अमृतसर खासा एंड आई एम हेयर इन अ टीम फ्रॉम 2016। सो वी आर हेयर फॉर द रेजिंग डे परेड। सर, आई जॉइन बी एस एफ इन द ईयर ऑफ 2013 एंड टीम के साथ में जब हम आए थे तो हम में से बहुत राइडर्स ऐसे थे जिन्हें साइकिल भी नहीं चलाना आता था, और जब टाइम आया बुलेट चलाने का तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उनके मोटिवेशन से और कंटिन्यूस प्रैक्टिस से हमने इवेंट्स किए। और सब इन सब चीज़ों के बीच में एक मेंटल बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है जब आप ऐसे इवेंट्स करते हैं, क्योंकि इवेंट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेंटली कंफर्टेबल हैं तो आप इवेंट पे अपने एक्रोबेटिक मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, कभी गिरते हैं, फिर दोबारा से मोटिवेट करते हैं। हम टीम को आपस में एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करके हमने अपने आज तक के जितने भी इवेंट्स किए हैं सक्सेसफुली, वो हमने एक दूसरे को मोटिवेट करके हमारे सीनियर्स हमें आके मोटिवेट करते हैं। तो बेसिकली ये टीम स्पिरिट है। सर, ये तो सबके लिए बड़ी ही प्रेस्टीजियस मोमेंट होती है। हमारी टीम के लिए ये बड़ी प्रेस्टीजियस मोमेंट थी इन द ईयर ऑफ 2018, और दोबारा जब हमें ये हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए बहुत एफर्ट लगाई हैं, हमें दोबारा ये मौका मिला है, तो हमारे लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी टीम और अपने बल को रिप्रेजेंट करने के लिए। सर, महिलाओं के लिए सिर्फ दो शब्द हैं, संतुलन और नियंत्रण। संतुलन, जब हम अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को और जब हम अपने प्रोफेशनल अपनी ड्यूटीज़ को करते हैं, तो उसके बीच में जो सबसे बड़ा संतुलन हमें बनाना होता है वो जब हम मदर फेज में आते हैं, हमें तब बनाना होता है। दैट पर्टिकुलर टाइम फिजिकली मेंटली हमें संतुलन बनाते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अपनी पूरी लाइफ दोनों फेजेस में प्रोफेशनली एंड पर्सनली उसे अच्छे से निभाना होता है, अपने रोल को अच्छे से प्ले करना होता है। सर, और वही हमारी टीम के साथ है। सर, इस पर भी कंट्रोल करना है, बाइक को संतुलन बनाना है, जब इस पर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और जब इस पूरे पिरामिड पे तो सर 29 इवेंट्स हैं, 29 पर्सन्स हैं। सब में बहुत अच्छा सफ़र रहा सर, जो हम लोग जो इवेंट करने जा रहे हैं वो नेशनल लेवल का है। 26 जनवरी परेड के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोगों को बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम लोग पूरा टीम 26 जनवरी में उतरने जा रहे हैं।
कैमरामैन प्रभाकर के साथ मैं प्रशांत शर्मा, द न्यूज़ के लिए।